जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे डाटा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, कंप्यूटर कैसे डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, इन सबको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहले यहाँ लिखेंगे डाटा क्या है। ठीक है, डाटा क्या है? डाटा एक हमारा रॉ इफेक्ट्स होता है, यानी कि कच्चे तत्व होते हैं। क्या होता है? रॉ इफेक्ट। ठीक है, जिसे हम कच्चे तत्व कहते हैं। ठीक है, तो डाटा क्या है हमारा? एक रॉ इफेक्ट्स है, जिसे हम कच्चे तत्व कहते हैं। अब समझते हैं इंफॉर्मेशन। अभी हम लोग एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे इनके बारे में। अब आते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन हमारा, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, जिसे हम पक्के तत्व कहते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना, जिसे हम पक्के तत्व कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, आगे समझते हैं अब हम लोग। देखिए, अब कंप्यूटर हमारा डाटा को इन्फॉर्मेशन में कैसे परिवर्तित करता है? ठीक है, समझते हैं। तो देखिए, जब भी हम कंप्यूटर को कोई डाटा प्रदान करते हैं, यानी कि इनपुट देते हैं, डाटा यानी कि इनपुट, ठीक है, यानी कि इनपुट, ठीक है, तो क्या करता है? अभी तक जो डाटा हमको कंप्यूटर को हम देते हैं, वो क्या है? अभी डाटा क्या है? इनपुट जो देते हो, क्या कच्चे तत्व है, तो उसको क्या करता है हमारा? फिर प्रोसेस होता है। प्रोसेस करने का काम कौन करता है? तो सीपीयू करता है। ठीक है, सीपीयू हमारा क्या करता है? प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने का काम कौन करता है हमारा? सीपीयू। तो डाटा जो हमारा कच्चे तत्व है, उसको प्रोसेस करके फिर क्या करेगा? पक्के तत्व में हमको, यानी कि इनपुट, इंफॉर्मेशन के रूप में हमको फिर प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा आपको? इंफॉर्मेशन, सूचना। सूचना पक्के तत्व जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आया? ठीक है, से हम आउटपुट करते हैं। क्लियर हुआ इतना? कैसे डाटा को कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? कोई भी डाटा हम कंप्यूटर को जब देते हैं, कोई भी, तो वो क्या करता है? वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने का काम आपका सीपीयू करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद प्रोसेस करने के बाद फिर हमको आउटपुट देता है इंफॉर्मेशन के रूप में, यानी कि पक्के तत्व। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे हम गूगल पर कोई भी मीनिंग, हम गलत मीनिंग टाइप करते हैं, गलत मीनिंग को सर्च करते हैं, ठीक है, तो गलत हम टाइप करें तो क्या है? कच्चे तत्व हैं। गूगल क्या करता है? उसको फिर हमको सही मीनिंग उसका बताता है। क्या करता है? उसको सही मीनिंग बताता है। तो जो गूगल हमको सही मीनिंग प्रोसेस करके बता रहा है, तो वो क्या हो गया आपका? पक्के तत्व हो गया, यानी कि इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया? हाँ, डाटा क्या है? तो डाटा हमारा एक कच्चा तथ्य होता है, फिर उसके बाद डाटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने का काम हमारा सीपीयू करता है, यानी कि हल करता है। हल करने के बाद फिर हमको आउटपुट देता है इंफॉर्मेशन, पक्के तथ्य के रूप में हमको फिर देता है। ठीक है, इतना समझ में आया डाटा क्या होता है?